हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल जी जी की बिछिया आपके साथ मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 का भी क्वेश्चन जी पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगी। अभी अगर हो सका तो इसी वीडियो में मैं आपके साथ 2015 टू 18 सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी, और अभी आपकी जो पुलिस भर्ती होने वाली है उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको एक तो पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस परीक्षा में, और कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस किस सेक्शन से, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, टोटली कितना कितना पार्ट आता है एग्ज़ाम में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ये पीडीएफ मुझे मैंने डाउनलोड करी है फ्रॉम दी हिम एग्ज़ाम डॉट कॉम। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को रेगुलर कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 पेपर है, जिसमें फर्स्ट है वी हैव इंग्लिश सेक्शन है पहले, जिसमें पूछा गया है आपके पास हाउ इज़ द वर्ड इनफ यूज्ड इन दीज टू स्टेट सेंटेंसेस। इनफ का पूछा गया कि किस रेफरेंस में ये यूज़ किया गया है, तो दिस इज़ द टाइम इनफ एंड टू स्पेयर। तो ये इनफ है जो इस उसमें ये एक एडजेक्टिव की फॉर्म में यहाँ पर यूज़ करा गया है। सेकेंड है यू वेल यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन, तो इसमें जो इनफ है एडवर्ब की फॉर्म में यूज़ किया गया है। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर भी साथ में ही दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन है यूज़ करेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द बोल्ड लेटर गिवन इन सेंसेस। तो इसमें फर्स्ट है इट इज़ बेटर टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑन हाउ टू सेफ योर बिजनेस। तो हाउ टू सेफ सिक्योर आएगा यहाँ पर सेफ के प्लेस पे, तो आपके पास जो यहाँ पर है सेफ के प्लेस पे होगा सिक्योर, यहाँ पर भी बताया गया है आंसर में भी, ये आपका आंसर रहेगा। और सेकेंड है ऑन टू कंसिक्यूटिव नाइट्स टू ग्रेटेस्ट आइकन्स ऑफ शो बिजनेस वर हंड्रेड्स विद अनकंसर्न अफेक्शन। तो यहाँ पर अनप्रडिक्टेड अफेक्शन है, तो यहाँ पर आइकन्स का पूछा गया, तो आइकन होगा यहाँ पर, आइकन्स नहीं होगा सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जिसमें पूछा गया है पब्लिक डिक्लेरेशन वाई अ पोलिटिकल पार्टी और प्रिंसिपल्स एंड द पॉलिसी, उसको क्या कहते हैं, उसको मैनिफेस्टो कहते हैं। नेक्स्ट है कस्टम हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, तो उसको क्या कहते हैं, पोलियंट्री कहते हैं, ऐसा कस्टम जिसमें एक ही समय पर एक से ज़्यादा हस्बैंड हो। आगे है कंप्लीट द सेंटेंस, आगे इसमें है टू नाइट गेम वाज डैश बिकॉज ऑफ द रेन, तो यहाँ पे होएगा आपके पास, यहाँ आंसर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से इसमें कॉल्ड ऑफ। नेक्स्ट है सेवेंथ में है आपके पास डिस्पाइट ऑफ हैविंग वर्क्स रियली हार्ड इन ऑफिस बिकॉज डिड नॉट गेट द मच एज एक्सपेक्टेड प्रमोशंस, तो यहाँ से डिस्पाइट ऑफ होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास है एट्थ, जिसमें है नियरेस्ट इन मीनिंग में पूछा गया है, तो प्रीमियम का नियरेस्ट होगा सुपीरियर, और मीनिंग ऑफ एग्जॉट में पूछा गया है इनकरेज इनकरेज। और नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग पूछा गया है, तो एस्टेब्लिश्ड है इसका अपोजिट होगा न्यू। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देखते हैं कौन सा है आगे, थर्ड और इलेवन है जिसमें है आपके पास इसमें दिया गया अफ्लुएंट, तो इसमें इसका है पुअर। नेक्स्ट है करेक्ट मीनिंग हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, तो ये क्या है बोला गया है, तो आंसर इसमें होगा स्कॉल्ड हिम। नेक्स्ट है हमारे पास इन ब्लैक एंड वाइट, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास फ्रेज एक तरह से इन ब्लैक एंड वाइट मतलब एक राइटिंग वे में हमें चाहिए, तो इन राइटिंग में होता है ब्लैक एंड वाइट का मतलब। आगे है क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा गया है एक आपके पास दिया गया है फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक स्पेस, आपको पैसेज दिया गया है जिसमें ब्लैंक स्पेसेस है आपको फिल करना है, तो यहाँ से है आपके पास में आपका आएगा सेंट द एम्परर ऑफ चाइना हैड सेंट सम पीचेस टू द किंग ऑफ टर्की विद अ नोट डैश, आगे है 15th में आएगा स्टैंटिंग, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह से पैरा आता है जो आपका है फिलअप का। नेक्स्ट है 16th में आपका पिक्ट आएगा, आप यहाँ से इसको स्क्रीन शॉट लेके भी स्टडी कर सकते हैं। अब है हिंदी सेक्शन, तो आपने देखा कि हमारे पास जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें कम से कम 16 क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। नेक्स्ट है हिंदी सेक्शन में
इसमें अपोजिट पूछा गया है ताप का विलोम, तो ताप का विलोम शीत होता है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है कि अशुद्ध वाक्य, तो अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो अशुद्ध वाक्य में आप देख सकते हैं बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो यहाँ पर बाघ और बकरी होना चाहिए था ए में, तो यहाँ से बाघ और बकरी। सेकंड है हमारे पास वहाँ बहुत भीड़ है, ये सही है। थर्ड है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों नाम की जगह होगा ये, यहाँ पर एरर है इसमें, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो यहाँ से अशुद्ध वाक्य ए और सी है, और इसमें हमारे पास इन्होंने आगे दिया भी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, क्रूर शब्द क्या है? तो क्रूर शब्द क्या बताता है, एक विशेषता बताता है किसी की, तो ये विशेषण शब्द है क्रूर शब्द, जो विशेषण है, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके पास ये दिया गया है कुसुम किसे कहते हैं, तो पुष्प को, फूल को कहते हैं, सुमन प्रसून, ये तीनों क्या है, कुसुम के पर्यायवाची है, जबकि जो कमल है ये अलग है, फूल की कैटेगरी है आगे, तो इसमें नहीं होगा, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। दाता का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो आपके पास यहाँ पर दात्री होगा, ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, आपके पास डायरेक्टली आंसर्स दिए गए हैं। आगे है 23rd है लकीर का फकीर होना, मतलब परंपरावादी होना, यहाँ से लकीर का फकीर होना। शांति शब्द का समानार्थ नहीं है, तो चुप्पी, मौन, नीरवता और आकाश, तो यहाँ से होगा ऑप्शन डी आकाश, आप सभी को पता ही है यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, 25 में आपके पास है जीतने की इच्छा रखने वाला, तो जीतने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञेशु कहते हैं, और जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। उल्लास का संधि विच्छेद पूछा गया है, उत् प्लस लास होता है, और आपने ये प्रैक्टिस कर लेनी है, इनकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हो गया, फिर संधि विच्छेद समास, ये सब आते ही हैं एग्जाम में। नाक में दम कर देना मुहावरे हो गए, तो ये इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान करना, नाक में दम कर देना। नेक्स्ट है 29, जिसमें है वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को डैश दी, तो क्या दिया उसने, भिक्षा दी, ऑप्शन सी होगा यहाँ से, भिक्षा दी। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, जिसमें है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, तो बहुत सी भाषाओं का जिसे ज्ञान हो या बहुभाषा भाषी, उत्कृष्ट शब्द का विलोम निकृष्ट होगा, ऑप्शन यहाँ से नहीं है, निकृष्ट है। यथार्थ का विलोम होगा, यहाँ से है कृत्रिम। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी, तो आपने देखा कि 16 क्वेश्चन से हमारे इंग्लिश से 16 ही क्वेश्चन थे, इंग्लिश सेक्शन से, हिंदी सेक्शन के भी 16 ही थे, 32 आपके कंप्लीट हो गए इस तरह से। अब है हमारे पास रीजनिंग, जिसमें है आपके पास यहाँ पर दिया गया है ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि आगे कौन सी वैल्यू आएगी, तो इसमें हमारे पास है जो इसमें ये है ऑप्शन, तो यहाँ से यू आना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। आगे है हमारे पास, क्योंकि इसमें हमारे पास इसके साथ चला हुआ है, तो अब हमारे पास इसके साथ इसके आगे आएगा सी, STU ना, सी होगा इसका। नेक्स्ट है यदि P को डिवाइड से रिप्रेजेंट करते हैं, R को प्लस से, T को माइनस से एंड V को मल्टीप्लाई से, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, इनमें कुछ नहीं करना होता आपको, जो रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दी होती है उसके प्लेस पे वही स्थान लगाना होता है, और इसको सॉल्व आउट कर देना होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 44। अगर आपको कहीं डाउट आता है इनको सॉल्व करने, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। NSI के कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं जो S से शुरू होते हैं, तो आपके पास ये दिया गया है, और आपको ये बताना है कि S से स्टार्ट होने वाले ऐसे मीनिंगफुल वर्ड जो इंग्लिश में है कितने बनाए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक तो सिंक बनेगा इसमें से SIN के, जब इसको अरेंज करेंगे, दूसरा अगर हम देखें तो स्किन बनता है यहाँ से SKIN, तो यहाँ से टू वर्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, स्किन एंड सिंक, ऑप्शन हमारे पास उत्तर होगा 2 इसका। अब है 36 to 40 हटाए गए हैं, इसमें है नहीं दिया गया है। आगे है 41, 41 में आपके पास डायरेक्शन से स्टार्ट है क्वेश्चन, तो डायरेक्शन से है कि रोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में गया, फिर उसके बाद वो कहाँ टर्न कर देता है अपना, बाएं की तरफ मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, और वहाँ से फिर बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चलता है, और अब दाएं मुड़ा तो वो कौन से प्लेस पे होगा, ये बताया पूछा गया है इसमें। इसमें हमारे पास यहाँ से था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
कि स्टार्टिंग क्या है उसका, ये था हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ए, 10 किलोमीटर चलता है, फिर अपने क्या मुड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाएँ मुड़ता है, फिर यहाँ से मुड़ता है और फिर उसको ये चलता है। तो इसके बीच का डिस्टेंस पूछा गया है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट, तो यहाँ से ये 20 + 5 हो जाएगा 25 किलोमीटर। अब इसमें आपकी अकॉर्डिंग है के एन अगर रिलेट है, कि के एन आपके पास है, के एन रिलेट करता है, के एन है क्यू टी के बराबर और डी जी किसके बराबर होगा, तो आपके पास यहाँ पर देखें के का अगर हम देखें तो के हमारा 11 अकॉर्डिंग में आता है और क्यू कितने पर आता है, 17 पे आता है, तो +6 का डिफरेंस है यहाँ पर, +6। तो डी में डी हमारा 4 पे होता है और प्लस करें हम 6, तो 4 + 6 में कितना हो जाएगा, 4 + 6 कितना होगा, 10। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 10 आता है जे से, तो जे एम इसका आंसर होगा। बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है 43। 43 में है कि 4 में से 3 एक समान है, अब इसमें से आपको इलिमिनेट करना है कि कौन से अलग कैटेगरी से है, तो यहाँ से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं तांबा चांदी और सोना ये तीनों ही एक हैं, पर एक ही उससे बिलोंग करते हैं, बट हीरा है जो हमारे पास, ये एक सॉलिड कार्बन है, तो इस तरह से ये डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है 44। 44 में है कि नीला लाल बैंगनी, तो इसमें आपके पास यहाँ पर है धूसर, ऑप्शन डी यहाँ से होगा। आगे है एन आर ई ए से कितने अंग्रेजी के सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे अभी हमने स्किन और सिंक वाला करा वैसे ही इसमें है, तो इसमें भी हमारे पास दो शब्द है जो क्रिएट किए जा सकते हैं, एक तो अर्न दूसरा नियर, यहाँ पर दिए भी गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 में है कि इस जो प्रक्रिया दी हुई है सीरीज, इसमें आगे क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं इसमें से 11 का डिफरेंस है, यहाँ पर माइनस करेंगे 22, तो ये 11 के टेबल से सारी वैल्यूज सब हो रही है, 11, 22, 33, 44, जब हम यहाँ से करेंगे 66 तो हमारे पास कितना आएगा, 80 आंसर आएगा इसका 46 का। आगे है रीजनिंग के क्वेश्चन भी काफ़ी है यहाँ से, गेस्ट एंड GUST एंड HVFTU को लिखा जाए तो नेस्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि जो ये है अकॉर्डिंग G7 पे होता है, H8 पे होता है, तो क्या है +1 करके हमारे पास सारी सीरीज ये बन रही है जो भी इन्होंने दिया हुआ अकॉर्डिंग में। इसी तरह नेस्ट में करेंगे तो 14 + 1 15, 15 में O होता है और E+1, 5 + 1 इज 6, 6 पे F होता है, S होता है हमारा 19 + 1 20 पे T हो जाएगा और T 20 + 1 21 यू हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आएगा इसमें कौन सी सीरीज चली +1 लेटर की। नेक्स्ट है अपराध पुलिस तब बढ़, और इसमें कुछ गलत सा क्वेश्चन है ये, इसमें आप देख लेना। आगे है 50 जिसमें है कि भारत की पहला यूरेनियम खान कहाँ पर है, तो यूरेनियम खान जादूगोड़ा में है, ये और भी किसी क्वेश्चन में अभी रिसेंटली पूछा गया है क्वेश्चन ये। आगे है ताबो मठ कहाँ पर है, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है और इसको क्या कहा जाता है, अजंता ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 52। भारत में पहली टेक्निकल फिल्म 1950 में डैश द्वारा निर्मित की गई थी, तो झांसी की रानी थी वो मूवी और ये सोहराब मोदी के द्वारा निर्मित करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, 53 में भारत में सबसे अधिक भंडार खनिज किस खनिज के हैं, तो किस खनिज के हैं, माइका सबसे ज़्यादा है, इंडिया में प्रोड्यूस करता है, इंडिया माइका को सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन सी होगा। किस मौसम में ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है, सर्दी में होती है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपने क्वेश्चन ऐसे सारे पढ़ लेने हैं जिसमें डेज को सेलिब्रेट किया जाता है और उनकी थीम भी आपने रिकॉर्ड अपने उसमें लिख लेनी है या फिर अपने नोट डाउन कर लेना है कि कौन सी थीम थी कौन से डे की जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। हाइग्रोमीटर क्या मापता है, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापता है, ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। पिछले शीतकालीन ओलंपिक्स कहाँ हुए, तो पिछले है जो वो हुए थे कोरिया में, साउथ कोरिया में, और जो नेक्स्ट हेल्ड करवाए जाएंगे वो करवाए जाएंगे चीन में 2022 में, ये भी आपके पास क्वेश्चन बन रहा है एक। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है, तो तारापुर में है। यहाँ से भारतीय वायुसेना ने अपनी स्वर्ण जयंती कब मनाई थी, 1982 को मनाई थी। आगे है हमारे पास 60। प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल की संस्था से जुड़े हुए हैं, तो ये इसरो और UGC और जवाहरलाल विश्वविद्यालय तीनों से जुड़े हैं। अगर है 61 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो ये है हेग द नीदरलैंड में, हेग। आगे है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, ऑप्शन है नहीं इसमें, पर
आपको ये पढ़ लेनी है मीडिया हिस्ट्री। नेक्स्ट है भूमिगत जल के अधिक प्रयोग से क्या समस्या उत्पन्न हुई है, इससे क्या समस्या उत्पन्न हुई है, जो जल स्तर है वो नीचे गिरा है, जल स्तर का नीचे गिरना। आवश्यक संपत्ति का अंतिम महीना कौन सा होता है, तो ये होता है फागुन, और जो पहला महीना वो होता है चैत्र, तो ये आपने रख लेना माइंड में। आगे क्वेश्चन आ गए मैथ्स से, तो यहाँ से आप देख लीजिए रीजनिंग के क्वेश्चन और जो हमारे जीके के क्वेश्चन, ये भी कितने हो गए, 64 तक हमारा ये कवर हो गया। अब ये हमारे पास 65 क्वेश्चन है जिसमें अब मैथ्स है यहाँ पर, तो यहाँ से 13% ऑफ 252, तो इसमें कुछ नहीं, अगर क्वेश्चन मार्क दिया है तो आप उसको एक्स कंसिडर करके आगे फाइंड आउट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है कि इसका आंसर आपके पास ये आएगा जब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास बिल्कुल ही सिंपल दिया गया है, तो इसमें भी कुछ नहीं करने के लिए आपके पास 5 1/2 + 1/5 + 2 + 3 ये इस तरह से दिया गया है, तो आपको इसमें एक इजी मेथड होता है उसको करने के लिए कि आपको कंप्लीट दिए गए हैं जैसे 5 + 2 + 1 ये एक उसमें लिख के आप कर सकते हैं, कितना हो गया, 8 हो गया। और जो आगे दिया गया है हमारे पास, आगे है हमारे पास 1/5 + 1/3/5 + 2/5, तो 2/5 जब इन तीनों को प्लस करते हैं तो कितना हो गया, 2 + 1 3 + 3 कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास 6/5, तो यहाँ से हमारे पास जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये भी कितना हो गया, ये 1 हो गया, 2 2/5 + 3/5 तो कितना आ गया, 5 + 3 8, 8 + 1 9, और साथ में कितना रह गया, 1/5, तो ये बन जाएगा हमारे पास इजी वे से। नेक्स्ट है प्लस माइनस का ही क्वेश्चन है, इजी सा है, आप देख सकते हैं नोट करके इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 68 में है आपके पास यहाँ पर, इसमें 27 रोस्टर और 18 मिक्सचर है जिसका प्राइस आपके पास 80 100 रुपये है, और 12 टोस्टर और 8 मिक्सचर का फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल ईजी है, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से देख भी सकते हैं। नेक्स्ट 69 है, 69 में हमारे पास 10 ये क्वेश्चन आता ही आता है इस तरह से, तो ये आपने कर लेने हैं इसकी तरह से, जो भी क्वेश्चन होंगे इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ये पूछे ही जाते हैं इस एग्ज़ाम में। आगे है क्वेश्चन हमारे पास 70, इसमें भी इजी सा है ये भी, कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, आयत की परिधि 126 है, तो चौड़ाई ज्ञात करें, तो इसमें चौड़ाई तो आपने एक्स कंसिडर कर लेनी है और जो लंबाई है वो चौड़ाई से 7 अधिक है, तो एक्स प्लस 7 हो जाएगी। अब इसने क्या बोला है, परिधि है मीन्स इसका पैरीमीटर है, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ, 126 दिया गया है, तो यहाँ से x28 निकल जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। आगे है 671 जिसमें आपके पास मूलधन दिया गया है, दर दी गई है, आपको साधारण ब्याज फाइंड आउट करना है, तो आपके पास कितना टाइम भी दिया गया है, 4 ईयर्स दिए गए हैं, तो यहाँ से सिंपल फॉर्मूला है PRT/100 लगा के, वहाँ से आपने ये कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन, ये आपने देख लेना यहाँ से क्या है, 73 है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी थी, तो पेंसिलिन की खोज करी थी इन्होंने। आगे कोरल क्या है, तो एक जानवर है ये, क्यों उसकी स्पीशीज है। पेंसिल बनाने में किस धातु का प्रयोग, किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट। और किस रक्त कणिका को शरीर का सिपाही कहा जाता है, तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ होती हैं उनको कहा जाता है। प्रकाश वर्ग किसका माप है, तो ये आपको पता ही है, यहाँ से तार की दूरी का है, यहाँ से डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर। भोजन की प्रक्रिया किस अंग से शुरू होती है, तो मुंह से स्टार्ट हो जाती है, H1N1 फ्लू किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट है सहेजे गए दस्तावेज को क्या क्या मतलब होता है, फाइल होता है, ये एक क्वेश्चन इनका कंप्यूटर से आया गया था, तो ये था हमारे पास टोटली 80 क्वेश्चन से। और आपने देखा कि इंग्लिश के 16, 16 हिंदी के, 16 रीजनिंग के, 16 आपके उसके जनरल साइंस और जीके वगैरह को मिला के, और मैथ्स के क्वेश्चन से, टोटली ये 80 मार्क्स का पेपर है, तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा। और इसका जो अदर पार्ट है, अभी जो 2017 होगा या फिर 15 और 16 का क्वेश्चन पेपर होगा, आई विल डिस्कस विद यू नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, अभी फिल करा है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।